Welcome. My name is Monil Shah. I am founder and CEO of TEE. आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज करने वाले हैं। तो मार्केट में जैसे यूट्यूब पे टेलीग्राम पे लोग स्ट्रेटेजी देते हैं कि ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ये इंडिकेटर यूज करिए, इसके साथ वर्क करिए, बैंक निफ्टी पे वर्क करेगा, ये स्टॉक पे वर्क करेगा, पर सच्ची में वर्क करता है क्या? वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो हम की के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे। हम उस स्ट्रेटेजी वेरीफाई करेंगे और स्ट्रेटेजी को देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए बेनिफिट है, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो हम आज सब डिसीजन लेंगे एक साथ। कैसे लेंगे? की यूज करके। बहुत सिंपल है की में करना। स्ट्रेटेजी बिल्डर है उसका, जो आप विजुअलाइज कर सकते हो उसको, एक क्लिक पे आप उसको बैकटेस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हो, राइट। एंड हमारे साथ इंटीग्रेटेड ब्रोकर्स है, जैसे एलिस ब्लू हो गया है, एंजल वन है, ट्रेड स्मार्ट है, मास्टर ट्रस्ट है। आप इजीली उसके साथ ब्रोकर इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम और ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं और पहले तो स्ट्रेटेजी समझते हैं और किस की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे वो पहले समझेंगे, उसके बाद हम स्ट्रेटेजी समझेंगे। तो पहले हम किसकी स्ट्रेटेजी लेने वाले वो देखते हैं। हम लेंगे स्ट्रेटेजी ब्लूमिंग बुल्स की, बाय अनिश सिंह ठाकुर। उनकी एक स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी और बहुत सही स्ट्रेटेजी है, जो उन्होंने RSI इंडिकेटर पे बनाई। RSI इंडिकेटर आप सबको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो हमने यहाँ पे लिंक पे दिया हुआ है कि RSI का कैलकुलेशन कैसे होता है, RSI क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए उसको। तो हम आप बायो पे देख सकते हो, लिंक पे देख सकते हो एंड जा सकते हो। और हमने इवन इनकी जो स्ट्रेटेजी है आप उनके YouTube वीडियो पे भी देख सकते हो, पर आप टेंशन मत लो, हम आपको दिखाएंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और हमने उसको कैसे अल्गो में कन्वर्ट किया है और आपको कैसे सिंपली उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है और फिर उसको अल्गो में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो पहले हम आ गए यहाँ पे की पे। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे साइन अप कर सकते हो, अगर आपने आपका अकाउंट नहीं है, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो यहाँ से आप लॉग इन कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर दिया है और पहले हम चेक करते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो हम ये स्ट्रेटेजी बनाएंगे, लेट्स से L&T पे करते हैं। L&T से लिख किया, मैं 5 मिनट से बनाऊंगा ये स्ट्रेटेजी। उन्होंने भी 5 मिनट से बनाया पर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर रहे हैं उनके वे में, ठीक है। उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि उनका इंडिकेटर यूज किया उन्होंने RSI, और हमें चेंज करना है उनके हिसाब से। उन्होंने ये बताया कि उनको 40 और 60 चाहिए, हम ये 60 ले लेंगे, इसको हम 40 कर देंगे, परफेक्ट। उनकी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है कि आप जब भी RSI 40 के नीचे जाएगा, बिलो जाएगा, तभी हम उसको सेल करेंगे, और सेम जब भी RSI 60 के अबव जाएगा तभी हम उसको बाय करेंगे। पर उसमें और एक चीज़ उन्होंने ऐड की है कि कुछ ब्रेकआउट होना चाहिए, आइडर हाई और लो ब्रेकआउट होना चाहिए, या फिर कुछ तो ब्रेकआउट होना चाहिए, या डे हाई डे लो, मंथ हाई मंथ लो। तो इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है अपने साइड और हमने यूज़ किया है पीवर्ड्स। तो हम इसमें पहले पीवर्ड्स भी ऐड करेंगे, राइट। हमें सब और सब पीवर्ड नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ सेंटर पीवर्ड जो है वो यूज़ करेंगे हम, परफेक्ट। तो जब भी RSI हायर होगा 60 के और ये इसको ब्रेक करेगा तभी हम बाय करेंगे, यहाँ पे हम बाय करेंगे, और उसके से प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो हम करेंगे, वो हम बाद में देखते हैं, वो हम अल्गो में कैसे बनाने हैं उसको देखेंगे। पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। सिंपल स्ट्रेटेजी, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है इसमें, ठीक है। सेम जब भी डे को जे पीवर्ड को क्रॉस करेगा प्लस 60 के नीचे जाना चाहिए तभी हम उसको सेल करेंगे, राइट, ठीक है। अभी ये स्ट्रेटेजी को हम अल्गो में कन्वर्ट करते हैं। हम आ गए यहाँ पे, हमने ऑलरेडी है ना स्ट्रेटेजी यहाँ पे अस्टा पे चली गई है हमारी। तो आप जब भी लॉग इन करते हो क्यू में, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है स्ट्रेटेजी में, आना है यहाँ पे अस्टा पे जाना है। यहाँ पे अस्टा जो है हमारा वो रेडीमेड स्ट्रेटेजीज है, जैसे और भी हमारे स्ट्रेटेजीज है पर हम इस पर ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इन्फ्लुएंसर्स की जो स्ट्रेटेजीज है उनको बैकटेस्ट करेंगे, उनको रन करेंगे आपके लिए, आपको यहाँ पे अस्टा पे और भी स्ट्रेटेजीज मिलती जाएंगी। तो ये स्ट्रेटेजीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के इसको रन कर सकते हो। ये हम अपनी तरफ से आपको रेडीमेड स्ट्रेटेजी दे रहे हैं,
इसमें ना कोई एक्सपर्ट है ना कोई है, पर इसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उनके पूछ के फिर एक बार रन कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहले चलते हैं इसको, हम स्ट्रैटेजी को क्या करेंगे, पहले इसको कॉपी ऐड टू माई स्ट्रैटेजी करेंगे, ठीक है। ये मैं अपने ऐड टू माई स्ट्रैटेजी करूंगा तो मैं अपने जो यूजर का है उसमें आ जाएगी ये स्ट्रैटेजी सिंपली, ठीक है। तो ये मैं स्ट्रैटेजी डालता हूँ स्ट्रैटेजी वन करके, और ये स्ट्रैटेजी वन हो गई मेरी, ये मेरी लॉन्ग स्ट्रैटेजी। तो इसको हम करेंगे लॉन्ग स्ट्रैटेजी, हमारी 5 मिनट्स पे चलानी है, कैंडलस्टिक पैटर्न था, राइट। हमने क्या बोला था, RSI हायर देन 60 एंड हमारा पिवट क्रॉस होना चाहिए, राइट। वी क्रॉस अबव हो क्रॉस बिलो हो, तो हमने क्रॉस अबव होना चाहिए तभी हम करेंगे, ठीक है। प्लस हमने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट डाला है 2% और 1.5%। अभी ये 2% और 1.5% कैसा आया है, हमने क्या किया है, हमने 50+ स्टॉक्स पे ये स्ट्रेटजी रन की है, प्लस इस पे ऑप्टिमाइजेशन रन किए हमने, तो हमने आप मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन हमने इस पे रन किए हुए, और फिर ये स्ट्रेटजी को हमने 2% स्टॉप लॉस और 1.5% स्टॉप लॉस पे रखा है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा था हमें विद मैक्सिमम रिटर्न्स, ठीक। तो हमें 2% प्रॉफिट स्टॉप लॉस पे है और 1.5% टेक प्रॉफिट पे रखा हुआ है, प्लस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने ऑन रख दिया, नेक्स्ट कर देंगे। और ये जो तीन सिंबल है उस पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है और रिटर्न आ रहा है, और रिस्क के हिसाब से बहुत सही है ये, तो इस पे ही हम रन करने वाले हैं। और आप ये मत सोचिए कि हमने सिर्फ आपको 3 महीने पे रन करके आपको बता दिया कि ये स्ट्रेटेजी सही है, इसको हमने रन किया हुआ है 2 साल और 3 साल के डेटा पे भी, और ये आपको बहुत सही बैक टेस्ट पे रिजल्ट आ रहे हैं हमें। हम इसका वर्चुअल ट्रेड रन किया है, हम इसका लाइव ट्रेड रन करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपको आप क्यों इस पे इन्वेस्ट करोगे, राइट। ये स्ट्रेटेजी का तो बैक टेस्ट रन किया हुआ है, वर्चुअल रन किया हुआ है, पर ये आपको ट्रस्ट कैसे आएगा, तो ट्रस्ट आप हम पे करिए, हम इसको आप लाइव ट्रेडिंग पे रन कर रहे हैं, और इसके लिए हम एलिस ब्लू यूज़ करने वाले हैं, और एलिस ब्लू को भी हम इंटीग्रेट करके आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम एलिस ब्लू इंटीग्रेट करेंगे, एलिस ब्लू पे हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तीन सिंबल हो गए हमारे, हमने क्वांटिटी डाल दी है, इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, स्टार्ट टाइम हम 9:20 के बाद ही एंट्री लेंगे, और 9:245 के बाद हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, और हम 3:10 को हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। आप अपने ब्रोकर के हिसाब से और भी सेट कर सकते हो, 3 बजे भी रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, पर हमने 3:10 रखा हुआ है, ये हमारे लिए बेस्ट सुटेड स्ट्रेटजी के हिसाब से चलता है। और दिन का हम सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा हमें ट्रेड लेना ही नहीं है इसमें, 2 ही ट्रेड लेने से, ठीक है। इसको बैक से एंड बैक टेस्ट करते हैं, तो विद इन आपको सेकेंड्स में आपको पूरा बैक टेस्ट रन होके आ जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि 3 महीने में कितना रिटर्न्स आ रहा है आप देख रहे हो यहाँ पे, और कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी है, तो हिसाब से आपको पूरा रिटर्न आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। सिमिलरली हम इसका आप देखोगे तो ये लॉन्ग वाली स्ट्रेटेजी आ गई है, हम अस्ट्रा पे जाएंगे, हम अभी शॉर्ट वाली स्ट्रेटेजी है वो भी ले लेंगे, ये हमारी स्ट्रेटेजी 1 ही हो गई है, इसको शॉर्ट सेम है, शॉर्ट पोजीशन है, 5 मिनट से कैंडल स्टिक है। क्या किया था हमने, RSI लोअर देन 40 होना चाहिए और ये क्रॉसेस बिलो पिवट पॉइंट्स, और स्टॉप लॉस आप देख रहे हो सेम है, टेक प्रॉफिट भी सेम है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और इसके अंदर आप देखोगे तो ऑलरेडी 6 सिंबल हमने डाल के रखे हुए हैं, इसको भी हम रन कर लेते हैं, तो ये रन हो जाएगा अभी, और आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर। और फिर इस पे हम चलेंगे, इसको हम लाइव ट्रेड में इसको रन करने वाले हैं, और आप 10 दिन तक हम इसको लाइव ट्रेड में रन करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। हम एवरी डे आपको बताते रहेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपको, और एंड ऑफ द 10 डेज हम पूरा इसको इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा प्रॉफिट कहाँ पे हमने कैसे बनाया ये पूरा स्ट्रेटेजी। आप देख रहे हो इस पे पूरा हमने करके रखा हुआ है आपको कुछ, और ये आप स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखोगे तो आपके माई स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी आ गई, स्ट्रेटेजी 1 शॉर्ट, स्ट्रेटेजी 1 लॉन्ग, ठीक है। इसको हमें लाइव ट्रेड में रन करना है, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया अभी तक का स्ट्रेटेजी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ब्लूमिंग बुल्स की RSI वाली स्ट्रेटेजी है, और उसको हमने ऑलरेडी अस्त्र में डाल के रखा हुआ है, आपको सिर्फ ऐड टू माई स्ट्रेटेजी करना है, आपके पास स्ट्रेटेजी आ जाएगी, और इसको हम रन करेंगे एलिस ब्लू के साथ, ठीक है। तो पहले मैं चलता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ब्रोकर ब्रोकर लिखा हुआ है, ब्रोकर पे क्लिक करोगे तो ब्रोकर का आपको API की यहाँ पे ऐड करना है, API की कैसे ऐड करना है, API सिगरेट की कैसे ऐड करना है, कैसे जनरेट करना है एलिस ब्लू के साथ,
उसके लिए और अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप उसको आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो आराम से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको पहले नया एपीआई की को आपका एक्सेस टोकन है वो हमें अपडेट करना है डेली बेसिस पे। तो पहले हम एक्सेस टोकन अपडेट करेंगे, जनरेट न्यू टोकन, हमारा जो क्लाइंट आईडी होगा और पासवर्ड जो है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ से एक्सेस टोकन मिलेगा जो एलिस ब्लू की तरफ से आएगा, और मेरे को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, और ये मेरा एलिस ब्लू का टोकन अपडेट हो गया। ये हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम आपका पासवर्ड सेव नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये एवरीडे एक्सेस टोकन अपडेट करना पड़ेगा टू मेक श्योर कि आपका लाइव ट्रेड चलता रहे। प्लीज़ ये आपको मेक श्योर करना कि एलिस ब्लू आप एक्सेस टोकन आपका अपडेट करते रहो। यहाँ पे हमारा एलिस ब्लू अपडेट टोकन अपडेट हो गया है, मैंने बैलेंस डाल के रखा हुआ है, मैं सिर्फ 15,000 रख रहा हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल ट्रेडर्स है उनके लिए ये पूरा स्ट्रेटेजी बनाया है। आप 15,000 में भी इसको ट्रेड कर सकते हो, आपके पास आपका मार्जिन रहेगा। एलिस ब्लू काफ़ी अच्छे से आपको मार्जिन देता है और उसका ब्रोकरेज बहुत कम है, 15 रुपीज़ पर ऑर्डर पे आपको सिर्फ वो ब्रोकरेज फाइन करता है, आपको ब्रोकरेज देता है। तो बहुत सिंपल है स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसको हम करेंगे डायरेक्टली डिप्लॉय, लाइव ट्रेड पे किया हमने 10 डेज, मैं ऑटोमेटिक करूँगा। हमने दो मॉडल है यहाँ पे, नोटिफिकेशन बेस और ऑटोमेटेड बेस। मैं ऑटोमेटेड बेस करूँगा, मेरे को टाइम नहीं मिलता है पूरा टाइम कि मैं चेक करते रहूँ कि ट्रेड आया नहीं आया, जैसे ही ट्रेड आता है तो ऑटोमेटिकली मशीन अपना ऑर्डर प्लेसमेंट कर देगा। तो ऑटोमेटेड आई एग्री टू टर्म्स, रन कर दिया, इसको रन हो गया। सेम मैं सब जितने भी सिम्बॉल्स है सबके लिए सेम करने वाला हूँ। ये हमने शॉर्ट का कर दिया, अभी लॉन्ग का कर देंगे। ये हम 10 दिन तक चलाने वाले हैं, और 10 दिन तक मैं चला सिर्फ मशीन ही अपने आप की हुई अपने आप ही सब कुछ कर लेगा, मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है की यूज़ करना भी, आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। और ये मैं HDFC के लिए, ठीक है। तो हमने 9 सिंबल पे बैक टेस्ट रन किया था, और 9 के 9 सिंबल्स हम लाइव ट्रेड पे रन कर रहे हैं। बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए, स्ट्रेटेजी ऐड हो गई है, सिंपल स्ट्रेटेजी थी जो हमने बैक टेस्ट रन की, 2 साल के डेटा पे बहुत सही रिजल्ट आ गए। तो हमने ये 9 सिंबल पे लाइव ट्रेड रन करेंगे, 10 दिन तक हम देखेंगे कि कैसा रन हो रहा है, और इसका आपको मैं रिव्यू बताऊंगा एट एंड ऑफ 10 डेज पे कि क्या परफॉर्मेंस था, कितना प्रॉफिट आया, क्या स्लिपेजेस आ रहे थे मुझे एलिस ब्लू के में जब मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा था, कितनी देर में वो ऑर्डर यहाँ से जनरेट हो रहा है, यहाँ एलिस ब्लू पे जा रहा है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। विद इन द 10 डेज में आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसा चल रहा है ये पूरा स्ट्रेटेजी विथ की हम एलिस ब्लू यूज करने वाले हैं, एलिस ब्लू के साथ। ओके, ठीक है, थैंक यू गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने स्ट्रेटेजी जो हमारे इन्फ्लुएंसर है ब्लूमिंग बुल्स के अनीश सिंह ठाकुर, उनकी एक स्ट्रेटेजी ली RSI इंडिकेटर, उनको हमने सिंपली अल्गो में कन्वर्ट किया है, और उसको हमने क्यू पे बैक टेस्ट रन किया है ओवर द ईयर्स के उसे, और ऑप्टिमाइजेशन रन किया है हमने, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, उसको बेस्ट ऑप्टिमल जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बनना चाहिए वो लिया है, और उसको वर्चुअल ट्रेड रन किया है, और फिर अभी लाइव ट्रेड रन कर रहे हैं एलिस ब्लू के साथ। आप देख सकते हो एलिस ब्लू हमने इसलिए चूज़ किया कि बहुत सिंपल है उसको इंटीग्रेट करना, उसका सिर्फ एक्सेस टोकन जनरेट करना है, प्लस उसका ब्रोकरेज बहुत लो है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है ओपन है तो आप एलिस ब्लू के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हो, उसका ब्रोकरेज बहुत कम है और बहुत इजी है उसको यूज़ करना भी। तो हम देखेंगे ओवर 10 डेज पे कैसा परफॉर्मेंस आता है स्ट्रेटेजी का भी, और एलिस ब्लू में ऑर्डर प्लेसमेंट का भी, ठीक है। तब तक अगर आपने आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना है कि क्या परफॉर्मेंस आया है, तो मेक श्योर करो कि आप लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू गाइस।